In MSc Final, I will teach you functional analysis. The course of functional analysis has been divided into two parts. In third semester, you have to study Banach spaces, and in fourth semester, you have to study Hilbert spaces. Functional analysis provides a unifying framework for many areas of mathematics. For example, function theory, measure and integration theory, approximation theory, distribution theory, analytic number theory, Fourier analysis, Sobolev space theory, etc. And it plays a significant role in pure and applied sciences. So it is a very important branch of mathematics. I will take your second paper, that is Banach spaces. Recall the definition of linear spaces. For Banach spaces, we need linear spaces and concepts of analysis. So let us define a linear space. A non-empty set X is said to be a linear space or a vector space over a field K if and only if it satisfies the following properties. First property is X is an abelian group with respect to addition, and this operation is called vector addition. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि हम लोग x के एलिमेंट्स को वेक्टर्स कहते हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको वेक्टर एडिशन कहते हैं, और इसलिए भी हम लोग इसको एक नाम दे देते हैं क्योंकि हमें पता है कि जो फील्ड है के उसमें भी एक एडिशन ऑपरेशन है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है. तो यहाँ पर जो है, क्योंकि आपके पास फील्ड में पहले से ही एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो हम लोग x पर जो एडिशन ऑपरेशन बताते हैं उसको कहते हैं वेक्टर एडिशन. फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है कि देयर एग्जिस्ट एन ऑपरेशन डॉट फ्रॉम k क्रॉस x टू x, एंड दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो ये डॉट जो है, ये एक स्केलर को, क्योंकि हम लोग फील्ड के जो एलिमेंट हैं उनको स्केलर्स कहते हैं, तो एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो हमको एलिमेंट मिलता है वो एक वेक्टर मिलता है, एक्स का ही एलिमेंट मिलता है. और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉट जो है एक एक्सटर्नल कंपोजिशन. तो हम लोग एक स्केलर लेंगे, वेक्टर लेंगे, और हमें एक एलिमेंट मिलेगा जो होगा वेक्टर. तो इसको ऑपरेशन को हम कहेंगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन. फॉर एनी टू स्केलर्स अल्फा बीटा एंड फॉर एनी टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई, we have alpha dot x plus y is equal to alpha dot x plus alpha dot y. क्योंकि alpha एक scalar है और x plus y, क्योंकि यहाँ पर x और y vectors हैं, तो x और y vectors का addition यहाँ हो रहा है, तो ये vector addition है. यहाँ पर जो plus है ये vector addition है, और चूँकि x plus y एक vector है x का, क्योंकि x एक abelian group है, तो यहाँ पर ये जो ऑपरेशन है डॉट जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. और हमको प्रॉपर्टी मिल रही है कि दिस इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस अल्फा डॉट वाई, क्योंकि अल्फा एक्स भी एक वेक्टर है, भी अल्फा वाई भी एक वेक्टर है, और इसलिए यहाँ पर जो एडिशन ऑपरेशन है ये भी एक वेक्टर एडिशन है. और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अल्फा प्लस बीटा टू एक्स, क्योंकि अल्फा और बीटा स्केलर्स हैं, तो यहाँ पर ये एडिशन ऑपरेशन है ये फील्ड के का एडिशन ऑपरेशन है. तो अल्फा प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स प्लस बीटा डॉट एक्स. तो यहाँ पर भी ये जो एडिशन ऑपरेशन है ये वेक्टर एडिशन है. यहाँ पर जो डॉट ऑपरेशन है अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि एक स्केलर है और एक्स एक वेक्टर है, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ये भी एक स्केलर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है. फिर अल्फा बीटा डॉट एक्स, कि अल्फा बीटा में जो है स्केलर, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फील्ड में जो ऑपरेशन में है मल्टीप्लिकेशन का वो है, और यहाँ पे ये डॉट जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है क्योंकि एक्स एक वेक्टर है. तो अल्फा बीटा डॉट एक्स इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा एक्स, और यहाँ पर ये डॉट भी जो है ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है.
और लास्ट प्रॉपर्टी है वन डॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वन जो है यूनिटी एलिमेंट है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है के में वो है, और वन डॉट एक्स जो है ये हमें एक्स ही दे रहा है फॉर एनी एक्स इन एक्स। तो अगर ये सब प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम लोग कहते हैं कि एक्स इज अ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड के एंड इट इज डिनोटेड बाई एक्स ऑफ के। क्योंकि हम लोग ने ये पढ़ा है पहले कि एनी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट्स एनी सब फील्ड, और क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स जो है, फील्ड ऑफ रियल नंबर्स जो है वो सेट फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एक सब फील्ड है, एंड सिमिलरली जो फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है वो भी सेट ऑफ रियल नंबर्स का और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है सब फील्ड है। तो यहाँ से हम लोग एक आप कह सकते हैं एग्जांपल्स निकाल सकते हैं कि सी ओवर सी, सी ओवर आर, सी ओवर क्यू, आर ओवर आर एंड आर ओवर क्यू आर लीनियर स्पेसेस। हम लोग इस कोर्स में बहुत सारे एग्जांपल्स लीनियर स्पेसेस के देखेंगे, लेकिन आपको रेडी रेफरेंस के लिए आपको इस एग्जांपल्स दे रहे हैं। नेक्स्ट वी डिफाइन नॉर्म लीनियर स्पेस। Let X be a linear space over field K, where K is C or R. यहाँ पर जो K जो field है वो field of real numbers और field of complex number है। पूरे functional analysis के course में आप देखेंगे जो field है वो यही लिया जाएगा, set of real numbers और set of complex numbers। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, एक्स बी अ लीनियर स्पेस ओवर फील्ड के, देन अ मैपिंग फ्रॉम एक्स टू आर इज कॉल्ड अ नॉर्म ऑन एक्स इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड। पहली प्रॉपर्टी है नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स इन एक्स। यहाँ पर ये जो मैपिंग है ये किसी भी वेक्टर पर ऑपरेट करके हमें जो वैल्यू देती है फॉर नॉर्म ऑफ एक्स, ये वैल्यू देती है नॉर्म ऑफ एक्स, और ये कोई भी रियल नंबर होगा। लेकिन यहाँ पहली प्रॉपर्टी बताती है कि ये नंबर जो है वो हमेशा एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स इज ज़ीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो बार। क्योंकि आपको पता है कि एक्स इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, तो यहाँ पर भी एक एडिटिव आइडेंटिटी होगी, आप कह सकते हैं यहाँ पे ज़ीरो वेक्टर होगा, तो ज़ीरो वेक्टर को हम लोग ज़ीरो बार से डिनोट करेंगे, और आर आपका सेट ऑफ रियल नंबर्स है तो यहाँ पर भी रियल नंबर ज़ीरो है तो इसको हम लोग ज़ीरो से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि नॉर्म ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो होगा केवल और केवल तभी होगा जब एक्स जो है वो ज़ीरो वेक्टर हो। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि जो ये नॉर्म है ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करती है, फॉर एनी एक्स वाई इन एक्स नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी बताती है कि जो वेक्टर अल्फा एक्स है उसकी नॉर्म को हम नॉर्म ऑफ एक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा इनटू नॉर्म ऑफ एक्स, अल्फा वेयर अल्फा इज एनी स्केलर एंड एक्स इज एनी वेक्टर। सो इफ दीज फोर प्रॉपर्टीज आर सेटिस्फाइड देन दिस मैपिंग इज कॉल्ड अ नॉर्म ऑन एक्स, एंड एक्स टुगेदर विद दिस फंक्शन दिस नॉर्म इज कॉल्ड अ नॉर्म लीनियर स्पेस। आपको ये पता है कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हम लोग मॉड वैल्यू डिफाइन करते हैं, आप कह सकते हैं मॉड फंक्शन डिफाइन करते हैं, और वो जो मॉड फंक्शन है वो ये सारी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है, चाहे आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें या रियल नंबर लें, लेकिन आपको ये मिलता है मॉड ऑफ एनी रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो नॉन नेगेटिव नंबर, एंड किसी भी नंबर के लिए जो है मॉड वैल्यू ज़ीरो तभी होगी जब वो नंबर हमारा ज़ीरो होता है। एंड थर्ड प्रॉपर्टी आपको पता है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स दोनों में के लिए ट्रायंगल इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है,
और हमें ये भी पता है कि मॉड ऑफ अल्फा एक्स लेंगे तो मॉड ऑफ अल्फा इनटू मॉड ऑफ एक्स होता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं और इसलिए हमें दो जो है एग्जांपल बहुत आसानी से मिल जाते हैं कि सी टुगेदर विद मॉड एंड आर टुगेदर विद मॉड, दीज आर वेरी वेल नोन एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर स्पेसेस। फिर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि जो ये प्रॉपर्टी है कि x अगर ज़ीरो वेक्टर है तो नॉर्म ऑफ x जो है वो ज़ीरो ही होगा, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप कह सकते हैं कि अगर हमने सपोज x को ज़ीरो वेक्टर लिया तो नॉर्म ऑफ ज़ीरो वेक्टर ज़ीरो बार इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ज़ीरो इंटू x, क्योंकि ज़ीरो इंटू x जो है वो ज़ीरो वेक्टर देता है, इसलिए आप लिख सकते हैं किसी भी x वेक्टर के लिए। एंड अब आप फोर्थ प्रॉपर्टी यूज़ करें तो कह सकते हैं दिस इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ ज़ीरो इंटू नॉर्म ऑफ x, और क्योंकि मोड ऑफ ज़ीरो जो है वो ज़ीरो ही होता है और ज़ीरो से आप किसी भी नॉन नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो ही होगा, इसलिए ज़ीरो हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी सेकेंड प्रॉपर्टी है इसमें जो है ये चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है कि नॉर्म ऑफ ज़ीरो वेक्टर इज़ ऑलवेज ज़ीरो। फिर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी भी जो है उसको नहीं लिखें तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि ज़ीरो कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ ज़ीरो वेक्टर एंड ज़ीरो वेक्टर कैन बी रिटन एज एक्स माइनस एक्स, बिकॉज इफ़ एक्स इज़ एनी वेक्टर देन एक्स माइनस एक्स इज ऑलवेज ज़ीरो वेक्टर, एंड देन दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ एक्स प्लस माइनस एक्स एंड बाई ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी कैन राइट दिस इज लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस norm of minus x, and this is equal to norm of x plus mod of minus 1 into norm of x from fourth property, because यहाँ पे आपने minus x लिखा था तो minus x can be written as minus 1 into x and minus 1 mod of minus 1 into norm of x, and since mod of minus 1 is equal to 1 so here we have 2 times norm. 2 times norm of x is greater than or equal to 0 means norm of x is greater than or equal to 0. Now we shall prove a theorem which states that let x norm with norm be a norm linear space, then the mapping D from x cross x to R defined as D of x comma y is equal to norm of x minus y is a metric on x. क्योंकि हमारे पास एक norm linear space है तो norm हमारे पास है और हम लोग D of x y define कर रहे हैं कि norm of x minus y. तो हम लोग ये prove करेंगे कि D एक metric है और इस तरह से आप कह सकते हैं कि कोई भी norm linear space जो है वो एक metric space भी है. So let us prove this theorem. For every x and y in capital X, D of xy is by definition norm of x minus y. And we know that from first property, this is always greater than or equal to 0. Norm of any vector is a non-negative real number. So this is greater than or equal to 0. तो हमको पहली property जो metric है वो मिल गई क्योंकि D of xy is greater than or equal to 0. Then second property is D of xy is equal to 0 if and only if, by definition this is norm of x minus y is equal to 0, and norm of x minus y is equal to from second property aapko pata hai ki kisi bhi vector ki jo hai norm 0 tabhi hoti hai jab wo vector 0 ho, to x minus y is equal to 0, एंड अगर x माइनस वाई ज़ीरो वेक्टर के इक्वल है, दोनों का डिफरेंस ज़ीरो वेक्टर है, मींस ये दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं, मींस x इज इक्वल टू y. सो वी हैव शोन दैट d ऑफ x y इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y. एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज फॉर एनी वेक्टर x एंड y, d ऑफ x y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y, देन दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ माइनस 1 of y minus x, and since this can be written as from fourth property of norm
we can write mod of minus 1 into norm of y minus x. And since mod of minus 1 is 1, so here we have norm of y minus x, and this can be written as d of y comma x. तो जो सिमेट्री प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि d ऑफ x y लें या d ऑफ y x लें, दोनों ही इक्वल होते हैं. एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी इज फॉर एनी x y एंड z इन x, d ऑफ x y इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ x माइनस y बाय डेफिनेशन, बट दिस कैन बी रिटन एज नॉर्म ऑफ x माइनस z प्लस z माइनस y. Here actually we have added and subtracted z. So here we can write in this form. Then by triangle inequality we can write this is less than or equal to norm of x minus z plus norm of z minus y. And by definition norm of x minus z is equal to d of x comma z, and this norm of z minus y can be written as d of z comma y by definition. And so we have proved this triangle inequality property, and so we have shown that d, this mapping d, is a metric on x. In this way we can say that any norm linear space is a metric space. Thank you.